ये जानकारी के लिए है, आप चाहें तो इसके ऊपर तैयारी करके थोड़ा बहुत इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। पैंडेमिक महामारी हमारी जो इस साल हम भोगे थे, फिर पास हुए है ना, बैठे बैठे पास हो गए ना। चलो कोरोना क्या है? हाँ कोरोना, कोरोना 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 समझिए, पैंडेमिक क्या है ये? पैंडेमिक एक महामारी, COVID-19 इसका नाम ही रखा गया था, ठीक है ना। इज अ वायरस डिजीज, एक वायरस डिजीज है, वायरस विषाणु हिंदी में, पर विषाणु का मतलब नहीं, वायरस फैलने वाला है, जो फैल जाता है हवा से, संचारी रोग है, संचारी बोल रहा हूँ, संक्रमण होता है उसका, संक्रमित है ना, और डिसीज यानी होता है बीमारी, डिसीज यानी बीमारी। तो COVID-19 इज, COVID-19 है अ वायरस डिसीज, एक वायरस डिसीज है, वायरस से होने वाला डिसीज है, ठीक है। डिसीज का मीनिंग तो बता दिए, इस पहले याद रखना DI रहेगा, फिर समंदर वाला सी रहेगा, इधर देखो DI समंदर और FC, ठीक है। डिसीज की स्पेलिंग याद रखना, गलत नहीं होना चाहिए ना, yes, पढ़ने का तरीका। एंड इट इज अ पेंडेमिक, और ये कैसा है? पेंडेमिक महामारी बन गया था। इट वाज, ये था, वह था या ये था, फर्स्ट प्रथम आइडेंटिफाइड मिला, पहचाना गया ड्यूरिंग के दौरान, ड्यूरिंग मतलब किस दौरान वो पहचाना गया था पहली बार? दिसंबर में, दिसंबर में कहा? वुहान सिटी ऑफ चाइना, चाइना के वुहान सिटी में, कहा? क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। पेंडेमिक महामारी पढ़ा दिए ना, वायरस विषाणु फर्स्ट पहला आइडेंटिफाइड पहचाना गया ड्यूरिंग के दौरान, क्लियर हो गया, आगे चलें। COVID-19 मेनली स्प्रेड, COVID-19 जो है मुख्यतः स्प्रेड होता है, फैलता है, मेनली ने मुख्यतः स्प्रेड है, हाँ फैलता है, बाय ड्रॉपलेट प्रोड्यूस, ड्रॉपलेट उसका का फैलने से है ना, बाय मतलब के द्वारा, प्रोड्यूस एज रिजल्ट ऑफ, किसके उत्पादन से, किसके कारण क्या होता है, तो होता है तो रिजल्ट ऑफ कफिंग एंड स्नीजिंग, कफ जो यहाँ रहता है, फंसता है ना, बलगम जिसको हम लोग बलगम के नाम से जानते हैं, और स्नीजिंग जो यहाँ से होता है, ठीक है ना। तो इनसे हमारे यहाँ क्या फैलने का चांसेस बढ़ जाता है? कोरोना, कोरोना उसका इन्फेक्शन फैलता है ड्रॉपलेट से, अब इन्फेक्टेड पर्सन, किसके, सभी से नहीं, जो इन्फेक्टेड है COVID-19 से उस पर्सन से, क्लियर हो गया, इन्फेक्टेड है संक्रमित पर्सन है व्यक्ति। सो अवॉइड, अवॉइड मतलब इसलिए हम इस मामले को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। कॉन्टेक्ट विद पेशेंट, इसलिए हम अवॉइड करते हैं पेशेंट के संपर्क में आने से, उसकी ओर ध्यान नहीं देते, उससे मिलते हैं, उससे मिलना पसंद नहीं करते, उससे दूर रहने का प्रयास करते हैं, क्लियर हुआ। पेशेंट कहने मरीज, क्लियर है। वी शुड यूज, हमें करना चाहिए, वी यानी हम, यूज यानी हमें यूज करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, मास्क आप लोग तो जानते हो, सैनिटाइजर सैनिटाइज करने वाला, साफ सफाई करने वाला, एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंस, और डिस्टेंसिंग, और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, मेंटेन करना मतलब जैसे चपट के बैठे हो ना अभी छोटे से कमरे में, ऐसे ना बैठ के डिस्टेंसिंग, यार कोरोना में हम देखे थे दूर दूर रहते थे, ऐसे टच करने से बचते थे, समझ गया है कि नहीं आया, नहीं करते थे ना, अभी भी नहीं करते थे हम लोग, कुछ अच्छे चीजों का भी ये क्या है, कारण है टू हैपन, होने का, कुछ अच्छे चीज होने का भी ये कारण है, जैसे कि लाइक, जैसे कि अ हीलिंग, और हीलिंग यानी होता है हीलिंग यानी हील करना मतलब उपचार होना, घाव का भरना, इस टाइप का आइटम होता है, ठीक है ना। हील मतलब, हील की स्पेलिंग HEAR ना, HEAL हील, तो लाइक अ हीलिंग और धरती का उपचार, इस टाइप से मान लो। न्यू टेक्नोलॉजी, नया नया टेक्नोलॉजी हमको मिला है ना बीमारी में, एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, और समुदाय हमारा जो आपस में सौहार्द कैसा रहेगा, भाईचारा कैसा रहेगा, सहयोगिता कैसे रहेगा, जो हम लोग कोरोना के टाइम में चेक किए,
तो उस टाइप से मतलब ये मोटा मोटा रहा, ठीक है। अंडरलाइन उनको उनका जिनका जिनका मीनिंग बताए थे, क्लियर हो रहा है, होना चाहिए। मास्क, सैनिटाइजर, कॉन्टेक्ट, मेंटेन, लगभग लगभग सब पता है ना, और चैनल धरती, ठीक है। एक बार पढ़ दें, कोरोना पैंडेमिक, कोविड 19 इज अ वायरस डिजीज एंड इट इज अ पैंडेमिक। इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग दिसंबर वुहान सिटी ऑफ चाइना। कोविड 19 मेनली स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट प्रोड्यूस एज रिजल्ट ऑफ कफिंग एंड स्नीजिंग ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। सो अवॉइड कॉन्टेक्ट विद पेशेंट। वी शुड यूज मास्क, सैनिटाइजर एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। कोविड 19 हैज ऑल्सो कॉज सम वेरी गुड थिंग टू हैपन, लाइक अ हीलिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। क्लियर हुआ कुछ? Yes. बोल दिए, अलग बात है, इंग्लिश धीरे धीरे आ जाएगा, धीरे धीरे पढ़ना है, हिज्जा कर करके पढ़ना है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब आप उसके लिए अभ्यस्त हो जाएंगे हम लोग, तो हमारे से फिर जल्दी जल्दी भी पढ़ते बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? Yes. और ये वाला पढ़ा चुके ना? Yes. इसको मैंने नहीं बताया, बता दिए ना? Yes. अंडरलाइन कर देते हैं, आप लोग जब इसको पढ़ोगे ना घर में जाके, अर्थ नहीं बनेगा तो अगले दिन आके फिर पूछ लेना, समझ में आया? यस सर। इसका मीनिंग नहीं समझ में आएगा, अंडरलाइन वर्ड्स करो तो आप फिर से ट्राई कर लेना, फ्रेंड्स को जानकर मेनी बेस्ट फैमिली टाइमली स्टडी, अरे बता ना तो फंडा। तो पेपर के बाद पढ़ेंगे, जो नहीं बनेगा पूछेंगे भी, कमेंट भी करना है, ठीक है ना? यस सर। और फिलहाल जो पूछने वाला काम होगा आप लोग कल भी करेंगे ना? यस सर। घर में जब तैयारी करेंगे तो? यस सर। बंद करें आप? यस। समझ में आ गया? यस सर।